भारत देश का सबसे तेजी से उभरता राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र व सोशल मीडिया नेटवर्क मैसेज ऑफ मीडिया, देश का भरोसा, नया युग नई क्रांति। हम उठाते हैं जनता की आवाज, सभी तरह की खबरें जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल, बिजनेस, साइंस और टेक्नोलॉजी, हेल्थ, लाइफस्टाइल, एस्ट्रोलॉजी और पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जुड़ें। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। GMS World School is visioned for a world-class education. फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले का खुलासा। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 40 फर्जी आयुष्मान कार्ड, नकदी व घटना में प्रयुक्त लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम संतोष निषाद पुत्र रामजी निषाद, निवासी गाँव बर्तनिया, थाना लालगंज, जनपद बस्ती है, जो फिलहाल बस्ती के गाँव परसा तकिया थाना पुरानी बस्ती में रह रहा था। आपको बता दें, दरअसल मोहित बंसल पुत्र विनोद कुमार बंसल, निवासी फिरीगंज रोड हापुड़ ने हापुड़ के SP अभिषेक वर्मा को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें आरोप लगाया कि GS अस्पताल पिलखुआ में तैनात चिकित्सक जुनेद अनवर द्वारा फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसकी एवज में अवैध वसूली की जा रही है। सुनते हैं पीड़ित मोहित बंसल को, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। मेरा नाम मोहित बंसल है। मैंने एक GS हॉस्पिटल में गया था माता जी के इलाज के लिए। तो जब इलाज के दौरान वहाँ पर मेरी माताजी का रसोली बताया, तो वहाँ पर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। तो मैंने ऑपरेशन के लिए वहाँ आसपास डॉक्टर से मिला, तो वहाँ एक मुझे डॉक्टर टकरा गए, डॉक्टर जुनेद अनवर, तो वहाँ पर BMS हैं। तो जब वहाँ डॉक्टर से मिला, डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आपके रसोली का ऑपरेशन तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, आपके पास कोई पॉलिसी या आयुष्मान कार्ड है? मैंने कहा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला आप आयुष्मान कार्ड बनवा लो। मैंने कहा ठीक है, बनवा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ खर्चा होगा। मैंने क्या खर्चा होगा? उन्होंने कहा 32,000 रुपये खर्चा आएगा। तो मेरे से उन्होंने 7,000 रुपये ऑनलाइन, 25,000 रुपये जो है वो नकद ले लिए। एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे कार्ड बनाकर दे दिया। कार्ड बनाने के दौरान मेरी माताजी का BP हाई रहता था, तो मैं इस दौरान इलाज नहीं करा पाया। तो फिर मैं मई में माताजी को अटैक आने पर हॉस्पिटल ले गया, 9 मई को। तो वहाँ रात को 8 बजे वो हॉस्पिटल ले गया, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल वालों, GS वालों ने, कि आप सुबह को आना, ये रात में डिपार्टमेंट नहीं बैठता। तो मैं सुबह जब मॉर्निंग पहुंचा, तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि ऐसे ऐसे बात है रात में। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा मैं एडमिशन करा दूंगा। डॉक्टर जुनेद अनवर ने मेरा माताजी का एडमिशन करा दिया। आयुष्मान के व्यापार वहाँ ब्लड टेस्ट भी हो गए, ट्रीटमेंट भी चालू हो गया, ऑपरेशन भी चालू हो गया। ऑपरेशन होने के बीच की दौरान ही वहाँ पेपर स्कैन होकर लखनऊ हथरजंग गए। पेपर जाने के दौरान वहाँ पर पता पड़ा कि ये फर्जी कार्ड है और ये मेरी माताजी का कार्ड नहीं है, क्योंकि उसमें नॉमिनी का मेरा नाम नहीं आ रहा था, वहाँ और बच्चों के नाम आ रहे थे। जब वो वहाँ मैंने इस बात की मुझे खबर लगी, तो मैं अपनी माताजी को वहाँ से इलाज स्टॉप पर आकर सीधा मेडिकल ले गया, फोर्टिस हॉस्पिटल ओखला। वहाँ मैंने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद मैं वहाँ से फ्री होने के बाद मैंने SP साहब को रिटर्न में लिख के दिया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। सर ने जाँच कराई, जाँच के बाद मुकदमा हुआ। मुकदमा के बाद डॉक्टर जुनेद अनवर की गिरफ्तारी 30 तारीख में हो गई थी। गिरफ्तारी दौरान होने के बाद वहाँ से मेरे को उसके कुछ परिजन मेरे पास आए, जिन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझसे कुछ पैसे ले लो और इसमें मुकदमा वापस ले लो। मैंने उनकी मना करने पर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी गाली गलौज की, जिसमें उनकी 31 तारीख में 191 में उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया। और हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने मोहित बंसल से शिकायती पत्र लेकर पिलखुआ पुलिस को जांच सौंप दी, जिसके बाद पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए
जांच शुरू कर दी और फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संतोष आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकारी कैंप में कार्य करता था, इसलिए उसके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड था जो उसके मोबाइल नंबर से लिंक था। लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर आयुष्मान कार्ड वेबसाइट पर लॉगिन कर आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति का नाम आयुष्मान कार्ड को सर्च कर उसे पर कूटरचित तरीके से नाम फोटो एडिट कर फर्जी आयुष्मान कार्ड बना देता था, फिर आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति से धन वसूलता था। और इस मामले की सत्यता के लिए सुनते हैं जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा को, उनका क्या कहना है। देखिए कि वादी श्री मोहित बंसल जी द्वारा मेरे कार्यालय में आकर के एक कंप्लेन दी गई, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी माता जी का इलाज दिसंबर 2022 में जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ में करवाया था और इन्होंने जो इलाज कराया था वे आयुष्मान भारत जो कार्ड है उसके अंतर्गत इन्होंने वो इलाज वहाँ पे करवा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने उस इलाज के एवज में जो रिफंड होता है उसके लिए आवेदन किया तो इनको वहाँ से सूचना मिली कि ये जो कार्ड है ये नकली है, फर्जी है और इस तरीके के कोई बेनिफिशियरी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको लेकर के इन्होंने ये कंप्लेन हमको दी और हमने फिर इसकी जांच पड़ताल करी। एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना पिलखुआ में 549/23। इसमें पुलिस द्वारा जब अन्वेषण किया गया तो एक अभियुक्त जो है वो बस्ती जिले का गिरफ्तार हुआ है। इसका नाम संतोष निषाद है, ये बस्ती का रहने वाला है, बर्तनिया थाना लालगंज का। और इसने पूछताछ में अभी तक ये बताया कि इसने लगभग ऐसे 40 कार्ड फेक तरीके के आयुष्मान भारत के जो ये कार्ड हैं ये बनाए हैं और इन्होंने फेसबुक में एक ग्रुप बना रखा था जहाँ पे ये पब्लिश करते थे कि जिसको भी आयुष्मान भारत का कार्ड चाहिए वह इनसे संपर्क कर सकता है और उसका ये कार्ड बना करके देंगे। जीएस मेडिकल कॉलेज के ही एक डॉक्टर द्वारा फेसबुक में जो इनसे संपर्क किया गया और कुछ पैसे के एवज में इनसे ये कार्ड बनवा करके वादी मोहित बंसल को उपलब्ध कराया गया है। वादी के द्वारा जब उस कार्ड को वेरीफाई करवाया गया तो कार्ड फेक निकला। हमने इनके कब्जे से लैपटॉप और ऐसे प्रिंटर ऐसी कई सारी चीज़ें बरामद करी हैं जिससे ये फेक कार्ड बनाते थे लाभ देने के लिए। और इनके साथ में 40 ऐसे कार्ड्स हमने बरामद किए हैं जो इन्होंने तैयार किए हैं जो लगभग फेक हैं और इनको अलग अलग जनपदों से वेरीफाई कराया जा रहा है और जहाँ जहाँ भी इस तरीके के इनके अभियोग कनेक्ट हुए उन सभी जनपदों को इनकी सूचना दी जाए। उसका क्या रोल है? जीएस मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर थे, उनका रोल बस इतना था कि उन्होंने इस कार्ड के लिए इनसे संपर्क किया क्योंकि उनको भी कहीं से फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिली तो उनको कुछ लगा कि हम उस समय क्योंकि इनका जो माता चित्रा देवी जो थी उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था तो उनको जब ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया कि ये किसी का भी बना सकते हैं कार्ड तो उन्होंने इससे बनाया। उनसे भी इसमें पूछताछ की गई है इस अभियोग में, यदि उनका भी आगे इसमें कोई रोल होगा तो अवश्य उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। उनकी भूमिका संदिग्ध है, अभी हम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। और जब उनसे जो प्राइमरी पूछताछ हुई उसमें उन्होंने ये बताया कि सर मुझे ये पता नहीं था कि ये इस तरीके से फेक कार्ड बना रहा है और फेसबुक के माध्यम से उससे इसकी बात हुई थी। लेकिन यदि जरा सा भी इसमें कोई गुंजाइश है कि उन्होंने जानबूझ करके इससे फेक कार्ड बनवाए हैं तो उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई करेंगे। अभी आपने सुना हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा को, जिन्होंने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले के बारे में बताया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में डिग्री धारक डॉक्टर नकली आयुष्मान कार्ड बना रहा था या बनवा रहा था तो अस्पताल के किसी और डॉक्टर या अधिकारियों को क्यों पता नहीं चला। ब्यूरो न्यूज एटीसी फास्ट व कॉस्मिक न्यूज। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एटीसी फास्ट। भारत देश का सबसे तेजी से उभरता राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र व सोशल मीडिया नेटवर्क मैसेज ऑफ मीडिया, देश का भरोसा, नया युग नई क्रांति। हम उठाते हैं जनता की आवाज, सभी तरह की खबरें जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल, बिजनेस, साइंस और टेक्नोलॉजी, हेल्थ, लाइफस्टाइल, एस्ट्रोलॉजी और पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जुड़े
साथ ही हमारा YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।